I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. सो हे गाइस, मोटर व्लॉग इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी भाई लोग का स्वागत है। सो कैसे हैं मेरे भाई लोग, आई होप आप लोग सब कोई बढ़िया होंगे गाइस, फुल ऑन मजे कर रहे होंगे। और आज हम तुम्हारा भाई लेके आया है यामा की न्यूली लॉन्च्ड R15 वर्जन 4 का न्यू कलर, जो कि इंटेंसिटी वाइट, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है गाइस देखने में, नो डाउट काफ़ी प्रीमियम लग रही है। इमेज में उतना पता नहीं चल रहा था गाइस, लेकिन जब रियल में आप देखिएगा ना तो काफ़ी खूबसूरत आपको लगने वाली है। आज इसी बाइक के बारे में हम लोग फुल डिटेल में बात करेंगे इसके, यहाँ पर आपको कंपनी क्या क्या चेंज करके दे रही है और प्राइस आपको क्या देखने को मिल जाता है एक शोरूम ऑन रोड दोनों रांची की। तो वीडियो को आखिर तक देखना, आपको सारे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रंट से बात करते हैं गाइस, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा आपको ट्रांसपेरेंट विंडशील्ड देखने को यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर गाइस आपको एडजस्टेबल मिरर देखने को मिल जाते हैं, नंबर प्लेट यहाँ पर आप लगा सकते हैं, R15 की बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। इसके हेडलैम्प की बात करें गाइस तो फुल्ली आपको LED में यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आपको LED यहाँ पर आपको डियाज देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर गाइस आपको LED प्रोजेक्टर, आपको हेडलैम्प देखने को मिल जाती है जिसमें आपको हाई बीम लो बीम दोनों मिल जाती है। और इसके नीचे की तरफ आते हैं गाइस सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर ना गाइस आपको गोल्डन कलर के 37mm के आपको अपसाइड डाउन फॉक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं गाइस। और यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का मडगार्ड देखने को मिल जाता है, और व्हाइट और गोल्डन का जो कॉम्बो है ना गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी मस्त लग रही है गाइस, काफ़ी प्रीमियम लग रही है जो कि आप भी देख पा रहे होंगे। इसके फ्रंट यानी टायर की बात करें गाइस अलॉय व्हील्स की, तो यहाँ पर आपको ना 17 इंच की आपको ऑरेंज कलर में कॉन्ट्रास्टी कलर में आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है इस देखने में। और टायर की बात करें तो आपको 100 सेक्शन के यहाँ पर टायर देखने को मिल जाता है जो कि MRF की तरफ से आती है ट्यूबलेस वाली। इसकी ब्रेक्स की बात करें तो यहाँ पर ना गाइस आपको 282mm की आपको यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाती है विथ ABS, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपको ABS की रिंग मिल जाती है। और बाइब्री के यहाँ पर आपको 12 पिस्टन कैलिपर वाले प्रीमियम ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी पीछे की तरफ आते हैं गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त यहाँ पर आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जा रहे हैं यानी ग्रे कलर में, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। पहले इसके टैंक की बात कर लेते हैं गाइस, तो यहाँ पर ना आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है गाइस देखने में। और यहाँ पर आपको 3D में यामा की लोगो देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपको एयरवेंट सॉर्ट ऑफ आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर गाइस इसके फेयरिंग में आपको फुल्ली ग्रे कलर में आपको यहाँ पर R15 वर्जन 4 की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर गाइस आपको वही रेगुलर आपको बल्ब इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। थोड़ी नीचे की तरफ आते हैं गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके इंजन कॉल में आपको यामा की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो इंजन मिलती है ना गाइस, 155 cc की सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve SOSC FIBS 6 phase 2 लिक्विड कोल्ड इंजन देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी मस्त यहाँ पर आपको देखने को मिलती है गाइस, काफ़ी रिफाइन इंजन है। और इसकी पावर और परफॉर्मेंस की बात करें, टॉर्क की बात करें, तो यहाँ पर ना गाइस आपको 18.4 PS की पावर देखने को मिल जाती है जो कि आपको मिलती है 10,000 RPM में। और टॉर्क जो मिलती है ना गाइस 14.2 Nm की देखने को मिल जाती है जो कि आपको मिलती है 7,500 RPM में, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है। और यहाँ पर ना गाइस आपको 6 स्पीड की गेयरबॉक्स भी देखने को मिल जाती है। और थोड़ी पीछे की तरफ आते हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको फुल्ली एल्युमिनियम का यहाँ पर सेटअप देखने को मिल जाता है, राइडर के लिए फुटरेस्ट, यहाँ पर रेयर ब्रेक लीवर, यहाँ पर आपको रेयर ब्रेक ऑयल्स, यहाँ पर आपको प्लेन के लिए फुटरेस्ट जो कि काफ़ी स्टडी है। यहाँ पर गाइस आपको सेम वही जो पहले आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलता था वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ आता है गाइस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपको VVA की यहाँ पर आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है यानी स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है, आपको फुल्ली LED यहाँ पर आपको टेलम देखने को मिलते हैं, आपको हेलोजन बल्ब यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। और इसकी जो नंबर प्लेट लाइट है गाइस वो भी आपको बल्ब में देखने को मिलते हैं। इसके सस्पेंशन की बात करें रियर वाली, तो यहाँ पर ना गाइस आपको लिंक टाइप मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जा रहा है जो कि आप अंदर में देख पा रहे होंगे। और इसकी रियर अलॉय व्हील्स और टायर की बात करें और ब्रेक्स की, तो यहाँ पर ना गाइस आपको 140 सेक्शन की आपको 17 R17 की आपको यहाँ पर रेडियल टायर देखने को मिल जाती है, काफ़ी वाइडेस्ट टायर है गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो अलॉय मिलती है ना गाइस आपको कॉन्ट्रास्टी कलर में देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी मस्त लग रही है। और यहाँ पर इसकी डिस्क ब्रेक की बात करें तो 220mm की आपको यहाँ पर डिस्क देखने को मिल जाती है विद ABS, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ABS की रिंग मिल जाती है। और यहाँ पर आपको जो ब्रेक्स मिलता है ना गाइस आपको निसिन के ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है, आपको सिंगल पिस्टन वाले यहाँ पर ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। थोड़ी इधर राइट की तरफ आते हैं, सॉरी लेफ्ट की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर भाई गाइस आपको सारी गार्ड देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको टायर हगर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर गाइस आपको राइट प्लेन के लिए फुटरेस्ट, राइडर के लिए फुटरेस्ट विद गियर लीवर, और यहीं पर गाइस आपको अपना क्विक शिफ्टर देखने को मिल जा रहा है जो कि काफ़ी मस्त बात है गाइस। अभी पहले ना क्या होता था ना कि आपको R15 वर्जन 4 में जो ब्लू कलर आती थी उसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता था, और R15 M में जो आती थी उसमें आपको ब्लू कलर यानी क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता था, लेकिन गाइज अब यहाँ पर आपको वाइट कलर में देखने को मिल जा रहा है जो कि काफ़ी मस्त लग रही है गाइज देखने में। अब बात करते हैं गाइज इसके फीचर्स और हैंडल बार की, तो
तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा ना, आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्टडी लगती है गाइस देखने में। लेफ्ट में ना गाइस आपको काफ़ी लाइट आपको क्लच लीवर देखने को मिल जाता है, आपको हाई बीम लो बीम करने के लिए स्विच, और उसी में गाइस आपको इंटीग्रेटेड पास की स्विच देखने को मिल जाती है, उसके नीचे आपको टर्न इंडिकेटर की स्विच मिलती है, और नीचे की तरफ गाइस आपको हॉर्न देखने को मिल जाता है। और इस बाइक में ना गाइस आपको डुअल हॉर्न देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी आपको लाउडनेस दे देती है। लेफ्ट राइट की तरफ आते हैं गाइस, तो यहाँ पर आपको फ्रंट ब्रेक ऑयल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के लिए यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाता है, उसके नीचे आपको हजार्ड की स्विच देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे आप देख पा रहे होंगे गाइस आपको ट्रिप और इन्फो की आप एक स्विच देखने मिलती है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस काम आती है। यहाँ पर आप पूरी चेंजेस कर सकते हैं। अब आते हैं गाइस इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में, तो यहाँ पर ना गाइस आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाती है, बहुत सारे आपको यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलते हैं गाइस, एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले तो गाइस यहाँ पर आपको ना टर्न इंडिकेटर के, मैं अब आप हज़ार्ड भी ऑन करके दिखा देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की लाइट देखने मिल जाती है। अब ब्लूटूथ से जब आप कनेक्ट कीजिएगा ना गाइस, तो यहाँ पर आपको जो वार्निंग लाइट्स तो आपको देखने मिलती है, जैसे SMS, आपको कॉल अलर्ट, यहाँ पर आपको ना इंजन टेम्परेचर की लाइट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त बात है गाइस। राइट में आए तो यहाँ पर गाइस आपको हाई बीम, न्यूट्रल और इंजन मैल फंक्शन की लाइट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है, और ऊपर की तरफ आपको ABS की लाइट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर गाइस क्या क्या देखने को मिलता है, तो पहले तो आप देख सकते हैं आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाती है, अभी स्ट्रीट मोड लगी हुई है गाइस, यहाँ पर आपको टैकोमीटर देखने को मिल जाती है, ऊपर की तरफ आपको क्लॉक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बीच में आपको स्पीडोमीटर मिलती है, यहाँ पर अभी आपको ट्रिप वन लगी हुई है गाइस, और उसके नीचे आपको बैटरी की वोल्टेज दिखा दे रही है, और इस तरफ आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर जो आपको बटन मिलती है ना गाइस, जैसे आपको ट्रिप वाली जो बटन मिलती है उसे आप यहाँ पर दबाइए ना, तो ट्रिप वन, ट्रिप टू और ट्रिप एफ और ओडो के बीच आप यहाँ पर स्विच कर सकते हैं। ऐसे जब आप लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा ना गाइस, तो आप जैसे ट्रिप वन को रीसेट करना है तो लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो वो रीसेट हो जाएगी। उसके बगल में गाइस एक और बटन मिलती है इन्फो की, तो उसे आप जब दबाइएगा ना, तो जैसे आप कूलेंट की टेम्परेचर, आपको ट्रैक मोड, अगर इसे लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो यह ट्रैक मोड में आ जाएगी गाइस, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं आपको लैप टाइमर देखने को मिल जाती है, और उसके नीचे आपको फास्टेस्ट का देखने को मिल जाता है। फिर आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखिए तो ये वापस से स्ट्रीट मोड में आ जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा देती है, आपको TCS देखने को मिल जाता है, जब आप इसे लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा तो फिर से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आपको बैटरी की वोल्टेज यहाँ पर आपको शो कर देती है, और यहाँ पर गाइस आपको RPM लिमिट की लाइट देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी मस्त बात है। अब बात करते हैं गाइस इसके प्राइस की, तो यहाँ पर आपको एक शोरूम रांची में जो मिलेगी ना 186,900 प्राइस देखने को मिल जाएगी एक शोरूम, और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो आपको मिल जाएगी 222,900 समथिंग आपको ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाने वाली है, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है गाइस देखने में, नो डाउट ये बाइक जो है ना काफ़ी प्रीमियम लग रही है। व्हाइट के साथ जो आपको ऑरेंज इंसर्ट्स देखने को मिल रहा है, और गोल्डन कलर की जो आपको फॉक्स देखने को मिल रहा है ना, काफ़ी प्रीमियम लग रही है गाइस देखने में। और ये जो बाइक है ना गाइस बहुत ही लिमिटेड आपको शोरूम्स में देखने को मिलने वाले हैं, और ये आपको बाइक जो अभी फ्रेंड्स मोटर में मिल जाएगी गाइस, अब भी जाके वहाँ पर अगर आपको लेना होना तो आप वहाँ पर जाके कॉल कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाके ले सकते हैं। मैं शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके स्क्रीन में दे दूँगा, और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल गाइस।